सो हेलो गाइस, कैसे हो, क्या हाल है आप सभी के। मुझे पता है गाइस कि आप सभी लोग यहाँ पे जो है आने वाली प्रीमियम ग्रेड गाइस क्लासिक ग्रेड का यहाँ पे जो है वेट कर रहे हो। तो गाइस आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को यहाँ पे जो है दोनों के कंप्लीट लीक जो होते हैं वो यहाँ पे दिखा दूंगा। उसी के साथ दोस्तों जो आप लोगों का नया कैरेक्टर आ रहा है ना गाइस, वो आप लोगों के लिए यहाँ पे जो है कितने सारे कैरेक्टर वाउचर का इवेंट लेकर आने वाला है उसके बारे में भी बताऊंगा। तो प्लीज देख श्योर वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा कमाल की होने वाली है। वीडियो को पूरा देखना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। सबसे पहले जैसे कि आप लोगों को पता है आप सभी लोगों के सामने यहाँ पे एमिलिया नाम का कैरेक्टर जो होता है वो आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये गाइस आप लोगों के लिए यहाँ पे गर्ल कैरेक्टर होने वाला है। गाइस का भी छोटा मोटा कैरेक्टर नहीं होगा ये जो कैरेक्टर है, बल्कि दोस्तों जो आपका ऐना हो गया, आपकी सैरा हो गई, उसको आप लोगों के सामने यहाँ पे जो है टक्कर देने वाला है। मतलब गाइस काफी हाई लेवल का कैरेक्टर जो होता है वो आप लोगों के लिए यहाँ पे जो है बनाया गया है। प्लस जैसे कि आप लोगों को पता है जब भी आप लोगों के सामने यहाँ पे जो है ऐना कैरेक्टर आया था, तो गाइस ऐना कैरेक्टर के आते ही आप लोगों के सामने यहाँ पे जो है कुछ काइंड ऑफ आप लोगों के सामने वाउचर्स जो होते हैं वो आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिले थे। एंड जो आप जैसे ही लेवल अप पे जाओगे ना गाइस, तो लेवल अप पे भी जाओगे तो आप लोगों के सामने यहाँ पे जो और कैरेक्टर वाउचर होते हैं वो भी आप लोगों को यहाँ पे जो है दिखाया गया था, ठीक है। तो गाइस वैसा का वैसा ही आप लोगों के सामने यहाँ पे जो है एमिलिया के साथ हो रहा है। एमिलिया के अंदर भी दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे जो है लेवल अप करने पे कैरेक्टर वाउचर, उसके इमोट्स एंड गाइस काफी सारी चीजें हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रही है, ठीक है। तो गाइस चलिए बात करते हैं कि अगर आप लोगों के सामने यहाँ पे जो एमिलिया कैरेक्टर ये आता है तो कितने कैरेक्टर वाउचर का इवेंट दोस्तों आप लोगों के लिए लेकर आएगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है एमिलिया कैरेक्टर यहाँ पे कंफर्म हो चुका है। एंड जैसे कि आप लोगों को पता है फॉर्मेट जो है बिल्कुल यहाँ पे जो है ऐना की तरह है, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है गाइस अगर यहाँ पे जो है ऐना की तरह फॉर्मेट हो रहा है तो आप लोगों को शायद यहाँ पे जो है वापस से 1700 से लेकर 1800 कैरेक्टर वाउचर जो होते हैं इवेंट के थ्रू यहाँ पे देखने को मिल जाए। बट गाइस यहाँ पर एक कैच है, जैसे कि आप लोगों को पता है जब आपके सामने यहाँ पे जो है ऐना कैरेक्टर आया था ना गाइस, तब हमारे यहाँ पे जो है पबजी न्यू स्टेट लॉन्च किया गया था। तो गाइस इसलिए यहाँ पे जो है ऐसा सीन हुआ था कि भाई पबजी न्यू स्टेट के अंदर यहाँ पे जो है सारी की सारी मीडिया शिफ्ट ना हो जाए, इसलिए गाइस इन लोगों ने यहाँ पे जो है हर एक हफ्ते में लगातार 5 हफ्ते में इन्होंने यहाँ पे जो है हम लोगों को 500-500 करके यहाँ पे जो कैरेक्टर वाउचर या फिर दोस्तों 300 कैरेक्टर वाउचर जो होते हैं इन्होंने यहाँ पे दिए थे। तो गाइस ये एक मार्केटिंग थी उनकी तरफ से या क्राफ्टन की तरफ से पबजी वालों की तरफ से कि भाई हमारे जो ऑडियंस है वो पबजी न्यू स्टेट के अंदर शिफ्ट ना हो जाए, इसलिए उन्होंने यहाँ पे जो है काफी सारे आइटम्स आप लोगों को यहाँ पे दिए थे, ठीक है। तो गाइस अभी मुझे लगता नहीं गाइस कि कोई भी यहाँ पे जो है ऐसा कोई बड़ा इशू होने वाला है उन लोगों को यहाँ पे। तो गाइस ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों को यहाँ पे जो है इतने सारे कैरेक्टर वाउचर दोस्तों वो यहाँ पे देखने को ना मिले, ठीक है। जरूरी है ऑफकोर्स कैरेक्टर वाउचर का इवेंट तो आएगा ही आएगा, बट इतने सारे कैरेक्टर वाउचर मिलेंगे इसका कोई कंफर्मेशन अभी तक नहीं आया, ठीक है। उसी के बाद अगर हम बात करें कि यार ये जो आपका कैरेक्टर है वो आप लोगों को कितने रुपए में देखने को मिलेगा, तो यार 600 कैरेक्टर वाउचर या फिर दोस्तों 600 UC या फिर दोस्तों जो ये जो कैरेक्टर है बहुत हाई लेवल का बनाया गया, तो गाइस जैसे कि आपको पता है कार्लो एंड एंडी हो गया, 1200 कैरेक्टर वाउचर के अंदर आप लोगों को यहाँ पे जो है देखने को मिल सकता है। तो गाइस काफी एक्साइटिंग हूं मैं तो इस कैरेक्टर को लेने के लिए, जैसे इसके और लिखाएंगे तो वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पे जो है दिखा दूंगा, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं आप लोगों के लिए यहाँ पे जो है आने वाली प्रीमियम क्रेट के बारे में। तो गाइस ये जो प्रीमियम क्रेट है ना लिटरली आप लोगों के लिए यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्साइटिंग होने वाली है। तो गाइस चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं आप लोगों के लिए यहाँ पे जो है बनी फ्रेंड सेट के बारे में। तो जी हाँ दोस्तों ये वाला सेट दोस्तों आप लोगों के सामने यहाँ पे जो है प्रीमियम क्रेट के अंदर निकल कर आ रहा है। एंड गाइस उसी के साथ दोस्तों आप लोगों के सामने यहाँ पे जो है बनी फ्रेंड की स्कारलेट गन की स्किन जो होती है वो भी आप लोगों को यहाँ पे जो है देखने को मिल रही है, ठीक है। तो जो कॉन्सेप्ट बनाया गया आप लोगों के लिए यहाँ पे आने वाली प्रीमियम क्रेट का वो कंप्लीट तरीके से पिंक कॉन्सेप्ट जो है वो आप लोगों के लिए बनाया गया, मतलब काफी गर्ली टाइप का है। और उसी के साथ दोस्तों आप लोगों के लिए यहाँ पे जो है मोटरसाइकिल जो होती है वो भी आप लोगों को काफी ज्यादा पिंक टाइप की आपको देखने को मिलेगी बनी किचन के नाम से, ठीक है। उसी के बाद दोस्तों आप लोगों के सामने यहाँ पे जो है क्यूट किटन के नाम से एक पैन की स्किन देखने को मिल रही है, एक आप लोगों के सामने एक नेड की स्किन जो होती है वो आ रही है प्रीमियम क्रेट के अंदर। एंड गाइस पूरा कंप्लीट बैकपैक जो होता है वो भी आप लोगों के सामने आपको यहाँ पे जो है दिखाया जा रहा है, ठीक है। उसी के बाद दोस्तों रेड बैटल कैट का कवर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, रेड बैटल कैट का कंप्लीट सेट दोस्तों वो भी आप लोगों के सामने यहाँ पे देखने को मिल रहा है। काफी अच्छी मतलब 4 से 5 आप लोगों के लिए यहाँ पे जो है मिथिक आउटफिट को उन्होंने यहाँ पे जो है ऐड कर दिया, ठीक है। उसी के साथ दोस्तों अगर हम बात करें और सेट्स के बारे में, तो गाइस आप लोग यहाँ पे देखो एक और रेड बैटल कैट सेट के नाम से कंप्लीट मिथिक सेट दोस्तों आप लोगों के सामने जो होता है वो आप लोगों के लिए यहाँ पे जो है निकल कर आ चुका है, ठीक है। उसी के बाद दोस्तों एक अजोर बैटल कैट सेट दोस्तों वो भी आप लोगों के लिए यहाँ पे आने वाला है। एंड एक आप लोगों के लिए यहाँ पे जो है एजेंट पिंक सेट होता है वो भी आप लोगों के लिए निकल कर आया, ठीक है। तो पर्टिकुलरली आप लोगों के पास बहुत ज्यादा चॉइसेस है यहाँ पे कि यार आप लोग पिंक वाला लो या फिर दोस्तों ब्लू वाला लो, बिकॉज दोनों सेट एक जैसे हैं, बस कलर थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। उसी के बाद दोस्तों प्रीटी इन पिंक सेट आप लोगों के लिए निकल कर आया, नाको सकुरा पैन हो गया या फिर दोस्तों और भी काफी ज्यादा कमाल के एपिक आइटम दोस्तों आप लोगों के लिए यहाँ पे निकल कर आए, ठीक है। एपिक में लोगों ने भाई भर भर के सामान डाले, स्कारलेट की स्किन हो गई आप लोगों के लिए, M4 की स्किन हो गई, वो सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पे एपिक के अंदर देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो गाइस ये आप लोगों के लिए थर्ड प्रीमियम क्रेट है जो आप लोगों के लिए बहुत जल्दी आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। बहुत जल्दी मतलब आपको पता है अभी 6-10 दिन रह गए आई थिंक आप लोगों के लिए यहाँ पे, 10 दिन के बाद तो डेफिनेटली नई प्रीमियम क्रेट जो होती है वो हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं आप लोगों के लिए यहाँ पे क्लासिक क्रेट के बारे में। तो गाइस उससे पहले मेरे को बताओ कि आप लोगों के पास यहाँ पे जो है अभी कितने प्रीमियम क्रेट गाइस कितने सारे क्लासिक क्रेट कूपन पड़े हैं, ठीक है। तो गाइस चलिए बात करते हैं कि यार प्रीमियम क्रेट के अंदर आप लोगों के लिए क्या आ रहा है। तो गाइस आप लोग यहाँ पे देखो तो राइट हैंडलर सेट दोस्तों आप लोगों के लिए यहाँ पे जो है निकल कर आ रहा है। काफी गाइस आप लोगों के लिए यहाँ पे जो है काइंड ऑफ एक नर्स टाइप की चीज दोस्तों आप लोगों को देखने को मिल रही है। अजीब सा दोस्तों हम लोगों के सामने यहाँ पे जो है सेट निकल कर आया है, ठीक है। लेकिन गाइस अभी तो आप लोग यहाँ पे रुको, ये देखो रेथ लॉर्ड आउटफिट भाई, ये जो है किसी एक्सूट से कम बिल्कुल भी नहीं है। एंड जो अभी एक्सूट आया ना गाइस उससे तो बेटर ही है, ठीक है। एंड उसी के साथ गाइस अगर हम बात करें एक और चीज के बारे में, तो गाइस होवरबोर्ड जो होता है वो भी डाला गया है इस बार आप लोगों की यहाँ पे जो है प्रीमियम ग्रेड के अंदर, यार ये तो बहुत ज्यादा कमाल की चीज है, ठीक है। उसी के बाद दोस्तों एक बैकपैक की स्किन भी आप लोगों के लिए निकल कर आ रही है राइट हैंडलर के नाम से, राइट हैंडलर के नाम से एक फैक्टर की स्किन जो होती है वो भी आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है।
बाकी यार आप लोग यहाँ पे देखो जो रेथ लॉर्ड सेट है ना उसके बहुत सारे सामान है, जैसे कि उसका हेलमेट हो गया, जैसे कि उसका बैकपैक हो गया, उसका यहाँ पे जो है पैन की स्किन हो गई, नेड की स्किन हो गई, यार ये तो बहुत ज़्यादा कमाल की है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों उन्होंने यहाँ पे जो एक और सेट निकाला है डेजर्ट ट्रूपर के नाम से, उसके भी आप लोगों के सामने यहाँ पे जो है पैन बैकपैक एंड हेलमेट की स्किन जो होती है वो आपको देखने को मिलेगी। यार दोनों सेट मेरे को जो है बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे हैं इस बार क्लासिक क्रेट के अंदर, भाई मैं तो डेफिनेटली यहाँ पे जो ओपनिंग करने वाला हूँ, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें बगी की स्किन के बारे में, तो एक बगी की स्किन भी आप लोगों के सामने निकल कर आ रही है, M16A4 की गन की स्किन भी आप लोगों के लिए यहाँ पे है, कुछ ज़्यादा आप लोगों के लिए यहाँ पे जो है एपिक आइटम्स के अंदर पैराशूट की स्किन हो गई, एंड गाइस AKM एंड AUG की स्किन दोस्तों वो भी आप लोगों के लिए यहाँ पे जो है डाली गई है इस बार के क्लासिक क्रेट के अंदर। भाई भर भर के सामान डाला गया है, मजा आने वाला है आप लोगों को यहाँ पे जो है क्लासिक क्रेट एंड गाइस प्रीमियम क्रेट की ओपनिंग करने में, ठीक है। उसी के बाद दोस्तों अगर हम बात करें इन दोनों की रिलीज डेट के बारे में, तो गाइस मैंने आपको बता रखा है दोनों आई थिंक यहाँ पे जो है 10-10 दिन के बाद शायद यहाँ पे खत्म हो जाएगी, आप लोग अपने BGMI के अंदर भी यहाँ पे जो है चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो यार दोनों आप लोगों के लिए यहाँ पे जो है खत्म होने वाली है, आप लोग मेरे को बताओ कि गाइस दोनों में से कौन सी क्रेट आप लोगों को सबसे ज्यादा पसंद आई है, आप लोगों के पास यहाँ पे जो है अभी कितने कैरेक्टर वाउचर है प्लीज कमेंट जरूर करना। तो गाइस चलिए मिलते हैं हमारी अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर।